वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। रसिक देवतले फ्रॉम वर्धा एज वेल। ओके वंडरफुल वॉज द क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, एवरी टाइम आई स्टक इन द टॉपिक्स लाइक फ्रेजेस एंड एरर, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू इंक्रीज माय स्कोर इन दीज टू टॉपिक्स। ओके वंडरफुल क्वेश्चन अगेन रसिक, राइट। ओके रसिक, एक चीज याद रखना बॉस, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक्स लाइक स्पेशली फ्रेजेस एंड एरर, दीज टू टॉपिक्स इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन 50% रेशियो इसका, लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग पावर का जाता है, मे बी 30% वी कैन कंसिडर, एंड द 70% रेशियो आपका ग्रामर का यूसेज का जाता है। इट सिंपली मीन्स आपको एक्चुअल यूसेज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसके लिए अगर मैं आपको कुछ रेफर करना चाहूंगा तो लाइक मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि लाइक यू शुड लाइक फॉलो दिस बुक, पर्टिकुलर बुक या द काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो, लाइक यू हैव ऑल्सो मेंशन काफी सारी चीजें इसके अंदर आपने मेंशन करी कि दैट आई एम फॉलोइंग सो मेनी यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, लाइक हाँ एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें आपने मेंशन करी इसके अंदर। सो फिर भी आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है। मैं आपको हमेशा ही बोलूंगा कि लाइक ऑन यूट्यूब यू विल गेट 50 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन और 30 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, राइट। लेकिन उस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको बस वही चीजें पता है। आई हैव सीन अगेन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑल्सो, मैंने भी काफी देखा है कि लाइक 100 रूल्स आपको पढ़ा देते, बिलीव मी। कोई प्रोटोकॉल या कोई फॉर्मूला जैसा ग्रामर को नाम मत देना बेटा, ठीक है। अगर आपको सही में इंग्लिश बनाना है, द ग्रामर एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रामर सीखना है, तो आपको बेसिक से आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट बेसिक तो लाइक यू शुड नो वेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एक्चुअल यूसेज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई टॉक अबाउट जैसे आपको फ्रेजेस के लिए द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, लाइक जैसे मैं बोलूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन आता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अगर कोई कंडीशनल क्लॉज से बिलोंग करता है, अगर मैं बोलूंगी कि लाइक सिंपल पास्ट टेंस का कॉम्बिनेशन सिर्फ पास्ट परफेक्ट के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता, तो ऐसे काफी सारे रूल्स है। अगेन फॉर द फ्रेजेस के लिए वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिव पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं एंड एक्टिव पैसिव वॉइस अलग होता है, तो आपको एक्टिव पैसिव का एक्चुअल यूसेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि लाइक कैसे इनको पहचानेंगे, अगर इसका सिंपल सा अगर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई टॉक अबाउट ओनली एक क्लॉज की बात कर रहा हूं, एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइक एक क्लॉज का अगर कोई सब्जेक्ट अगर खुद से काम कर पा रहा है तो दैट सेंटेंस शुड बिलोंग एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अगर नहीं कर सकता है तो पैसिव, जैसे मैं बोल रहा हूं आई कैन गो देयर, सो मैं खुद जा सकता हूं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि आई कैन बी गॉन देयर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। लेकिन मैं बोल सकता हूं कि लाइक द काइंड ऑफ इफ आई से द पेन कैन बी मूव फ्रॉम हियर टू देयर, राइट, क्योंकि ये खुद से मूव नहीं हो सकती, तो ये सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। So all I am saying, phrases के लिए active passive का concept आना which is very important, and for the error, I observe काफी सारी चीजों में काफी सारे लड़के अगर grammar पढ़ते हैं, जो rules पढ़ते हैं, तो वो rules follow करने का कोशिश करते हैं कि like मुझे कहां से क्या कुछ formula मिल रहा है। Again I am telling you mutual understanding is very important, आपको पहले अपना sense डालना पड़ेगा, आपको अपना पहले सेंस अप्लाई करना पड़ेगा एंड सेंस के बाद अपना ग्रामर का यूसेज अप्लाई करना पड़ेगा। सेंस का मतलब अगर मैं कोई सेंटेंस पढ़ के देख रहा हूं तो लाइक अगर आप इफ यू आर अ गुड रीडर, जैसे अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात करोगे तो लाइक मैं लड़कों को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो क्या का कॉम्बिनेशन, एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रामर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिक टू एडवांस एज आई ऑलरेडी कवर, ठीक है। सो लाइक मैं लड़कों को यहां से पढ़ाता हूं, इन दैट यहां से वो पूरा कोर्स कवर है, सो वहां से पूरे बेसिक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने कवर करा है। इफ यू आर अ गुड रीडर तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पावर आई होप काफी अच्छा होगा। इफ यू आर गुड इनफ इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड आपको ग्रामर का यूसेज तो सीखना ही पड़ेगा। लुक मैं हमेशा बोलता हूं इफ आई टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी सेक्टर, यानी यू शुड बी गुड इनफ इन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब ऑल्सो।
देर इज अ 5 to 6 टाइप ऑफ लाइक रास्ते हैं, ये सारे के सारे आपको पैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो एरर के लिए एंड फ्रेजेस के लिए 30% वेटेज जाता है आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एंड 70% एक्चुअल वेटेज जाता है उसका एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रामर। इफ यू आर गुड इन दीज टू थिंग्स, सो अगर ये सब चीजों में आप अच्छे हो तो कंबाइन करो एट अ टाइम मिनिमम 50 के अबो क्वेश्चंस मारना, कोई ऐसे लाइक मैं तो 50 कम बोल दिया, अबो 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो सो दैट आप एक पैटर्न जान पाओ कि लाइक व्हाट्स द एक्चुअल पैटर्न ऑफ फ्रेजेस एंड व्हाट्स द एक्चुअल पैटर्न्स ऑफ लाइक इफ आई टॉक अबाउट एरर्स, ठीक है। मल्टीपल चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल एरर्स, ऐसे कोई एक टॉपिक के ऊपर मत मारना, दिस इज द ओरिजिनल वे। लेकिन कब, अगर आपको एक्चुअल उसका यूसेज आता है तो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइक आपको अगर थोड़ा बहुत भी ग्रामर आता होगा तो एक अंडरलाइनिंग पैटर्न शुरू कर सकते हो। जैसे मेरे टेस्ट सीरीज मेरे क्लासेस में आई टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट सजेशन है कि लाइक सजेशन यानी कंपल्शन है इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर, अब वहां से मैं अंडरलाइनिंग करवाता हूँ लड़कों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, एक सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है। कि मैथ्स जैसा अगर मैंने कोई फॉर्मूला या कोई प्रोटोकॉल अप्लाई कर दिया तो ऑन दैट बेसिस आई कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, आपका इम्पैक्ट ग्रेजुअल होगा एंड फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीजें करते हो, आई टॉक अबाउट 100 क्वेश्चन, इफ यू आर सॉल्विंग 100 क्वेश्चन और 5 to 4 कंटिन्यू डेज यानी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 500 प्लस क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑन फ्रेजेस एंड एरर के बेस के ऊपर इतने क्वेश्चन के जर्नी के साथ जाते हो तो आपका ही काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे दैट यू विल गेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न से एंड ठीक है। अगर आपको एक्चुअल यूसेज भी आता होगा तो ग्रामर का, ठीक है। तो ग्रामर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बनाना है तो लाइक एज आई ऑलरेडी मेंशन, मेरा भी ऑनलाइन कोर्स है, आपको कभी भी मेरे बायो में वगैरह कोई लिंक मिल जाएगा तो जस्ट गो थ्रू दैट कोर्स, काफी चीपेस्ट प्राइस में मैंने वो कोर्स फिलहाल अवेलेबल किया जिसका इंडिया में काफी डिमांड बढ़ रहा है, और लाइक इन्वेस्ट करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो जो भी मैंने पैटर्न बनाया बताया उस पैटर्न को आप फॉलो करो, मे बी यू विल गेट। लेकिन अगर आपको हार्ड एंड फास्ट अगर रिजल्ट चाहिए सब चीजों का तो मेरा सिंपल एडवाइस है जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर मेरे कोर्स के थ्रू जाओ, डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, आपका 101% आपको बेनिफिट होगा एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली टू टॉपिक्स, यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर योर आंसर वेरी वेल, सो लाइक आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दो चीजों का कॉम्बिनेशन फॉर द फ्रेजेस एंड एरर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 70% रेशो जाता है एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रामर एंड 30% वेटेज जाता है उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो अगेन यू गाइस जो भी ये एपिसोड देख रहा है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो लाइक मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, यू जस्ट हैव टू आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है विद यूर फुल नेम एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग एक्चुअली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड नाइट।